खीर भवानी मंदिर कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में स्थित है। यहाँ हर साल मेला भी लगता है। यह मंदिर और यह मेला कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित खीर भवानी मंदिर मेले में भाग लेने आते हैं। खीर भवानी मंदिर में 14 जून को भी महापर्व मनाया जा रहा है। खीर भवानी मंदिर कश्मीर का एक प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में एक कुंड भी है जो भविष्यवाणी करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस कुएं का पानी असल में भविष्य सूचक है। खीर भवानी मंदिर के चमत्कारी तालाब के बारे में कहा जाता है कि जब तालाब के पानी का रंग बदल जाता है तो परेशानी होती है। तो आइए हम आपको खीर भवानी मंदिर के इतिहास और इससे जुड़े इस भविष्य सूचक रहस्य के बारे में बताते हैं। खीर भवन मंदिर देवी दुर्गा का मंदिर है। यह मंदिर एक खूबसूरत झरने के बीच में बना हुआ है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था तो देवी दुर्गा क्रोध से भर उठी थी। देवी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अपना स्थान त्याग दिया और कश्मीर में इस स्थान पर आ गयी। इस मंदिर में देवी दुर्गा को खीर का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम खीर भवानी है, भवानी माता के। मंदिर का निर्माण 1912 में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कहा जाता है कि खीर भावा की माँ कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। यहाँ हर वर्ष जेठ माह की अष्टमी के दिन भव्य मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। खीर भवानी माता के मंदिर में एक जल कुंड है। यह कुंड चमत्कारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कश्मीर में कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है तो इस कुंड के पानी का रंग बदल जाता है। ऐसे कई उदाहरण भी मिले हैं। जब तालाब के पानी का रंग बदल जाता है तो समझ लीजिए कि कश्मीर पर बहुत बड़ी विपदा आ गई है। कुएं में पानी की भविष्यवाणियां कई बार सच हो चुकी हैं। पसंद करना पवित्र झरने का पानी 1947 में काला हो गया, जिस वर्ष कश्मीर पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद कारगिल युद्ध के दौरान भी यहां का पानी काला दिखने लगा। 1990 में भी जब तालाब का पानी काला हो गया तो स्थानीय पंडितों पर अत्याचार हुआ और उन्हें घाट छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि जब दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली और लाखों लोगों की मौत हो गई, तब भी कुंड के पानी का रंग बदल गया और लाल हो गया। तालाब के रंगीन पानी के बारे में यह भी मान्यता है कि यदि पानी का रंग लाल या काला हो जाए तो परेशानी होती है, लेकिन यदि तालाब का पानी नीला या सफेद रहे तो समय सुखपूर्वक बीतता है।